वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फी। तो गर्मी का मौसम है, कुल्फी खाने का बहुत मन कर। बस एक ग्लास दूध है, ये रहा कस्टर्ड, देखते हैं इसके अंदर जो रहा, एक चम्मच भर के कस्टर्ड, बस एक चम्मच, बहुत ज्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ, एक चम्मच। और तो इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है एक भी ये पूरा मिक्स हो जाए, कहीं से इसमें इसको मिक्स करें कस्टर्ड। तो मैं इसको मिक्स कर ली हूँ, तो ये मैं मिक्स कर ली, कहीं से भी इसके अंदर गांठे नहीं हैं। और एकदम ठंडे दूध में डालिएगा काजू, किशमिश, छुहारे हैं और ये एलमंड है, बादाम है। अब इसको छुहारे के अंदर का बीज को मुझे बस निकालना है। के अंदर जो बीज है, कस्टर्ड को चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से ये बैठ सकता है। कस्टर्ड को हम चलाते रहें, जल सकता है नीचे, ध्यान रखिएगा कि कस्टर्ड नीचे बैठे नहीं, जमे नहीं। हल्का सा तोड़ लिया छुहाड़े को, इसके अंदर का बीज निकाल के मुझे बस तोड़ लेना है, बस हल्का हल्का चलाते। अब ये जितने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं मैंने, किशमिश, काजू, बादाम, छुहारे में 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून चीनी मैं डाल रही हूँ उसमें, और मिक्सी में चला लूंगी, हल्का दरदरा हो जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे कुल्फी में, उसको चला लेना। आप देख सकते हैं मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको मैं अच्छे से चला ली हूँ मिक्स, अच्छे से ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो टूट गए हैं, पिस गए हैं, और इसके साथ ही चीनी भी मेरा टूट गया है और पिस गया है, और ये जो है मेरा कस्टर्ड ये भी रेडी हो गया है। तो आप मार्केट से रबड़ी ला सकते हैं या घर पे रबड़ी बना लीजिए दूध को फौला के उसमें कस्टर्ड डाल के, या मार्केट में इजीली रबड़ी मिल जाएगा। रबड़ी जो है ना इस ये कुल्फी के इसमें चार चांद, जैसे आप खोआ भी डाल सकते हैं, बट आप रबड़ी डालेंगे तो ये एकदम मार्केट वाली रबड़ी जो कुल्फी मिलती है वो लगेगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, आप 2 कटोरी मार्केट से ले आइए या आप घर पे बना लीजिए, अच्छे से रबड़ी डालिएगा। तो मैं इसमें रबड़ी डाल के थोड़ा देर गैस पे ही रखना है कस्टर्ड को, तो मैं इसमें आधी कटोरी रबड़ी डाल रही हूँ। अगर आप मार्केट से रबड़ी ले रहे हैं तो 2 छोटी वाली जो कटोरी आती है रबड़ी की, जो सुधा की रबड़ी होती है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप घर पे रबड़ी या खोआ भी डाल सकते हैं, बट रबड़ी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं घर पे बनाई हूँ केसर डाल के रबड़ी, मतलब दूध को बहुत खौला के उसमें केसर डाल के बनाएगा। मैं रबड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। चीनी होती है इसलिए मैंने इसमें ज्यादा चीनी नहीं डाली हूँ। अब रबड़ी के साथ एक बार इसको हल्का, ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं पीसी थी, ये पीसी हुई ड्राई फ्रूट्स, ठंडा होने के लिए गर्म में ही डाल दीजिएगा ड्राई फ्रूट, इन सबको गर्म में ही डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है वो कितना अच्छा आया है कस्टर्ड के अंदर, ये इसको बस तोड़ देना है, ये ड्राई फ्रूट्स टूट जाए, मिक्स हो जाए,
कूड़े में अच्छे से जो है ना मुंह में नहीं आएगा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मैंने एकदम पतला पीस लिया है ड्राई फ्रूट्स। ये रहा ड्राई फ्रूट्स, ये अब इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आइसक्रीम वाले इसमें भर दूंगी मैं, तब तक के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा हो गया है मेरा, तो धीरे धीरे इसमें इसको डाल। ये अंदर अच्छे से चले जाए टैप करके, और इसके अंदर ये स्टिक स्टिक लगा देंगे। ये जो है इसकी स्टिक, बीच में स्टिक रखिएगा, ये इसकी स्टिक। ये स्टिक बीच में थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी तो क्या ना स्टिक अच्छे से आएगी। अब ये स्टिक नहीं है तो मैंने ये मैं डाल दूंगी अच्छे से। इसको जमने में 6 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड जमेगा तो अच्छे से निकल पाएगा मेरा। तो इसको मैं फ्रीजर में रख देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रेडी हो गई है, मैंने फ्रिज में जमा दिया था 6 घंटे के लिए, तो रेडी हो गई है मेरी कुल्फी। अब मैं आप इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दीजिए। देखिए ये स्टिक के साथ मैं आपको सारा निकाल के दिखा रही हूँ। जबरदस्ती मत निकालिएगा, थोड़ा टाइम के लिए इसे छोड़ दीजिए। सारी कुल्फी जो है वो रेडी हो चुकी है। कब देख रहे हैं मेरी सारी कुल्फी रेडी हो गई है, तो बहुत टेस्टी है। अगर आप इस तरह कुल्फी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी और बेस्ट है। तो अगर आपको मेरी ये कुल्फी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। फुल वीडियो फुल सपोर्ट।